प्रभु, कहाँ आशुतोष श्री कृष्ण, कैसे आना हुआ? आपका दर्शन लाभ लेने और अपने सखा अर्जुन को कुछ बताना भी था। अर्जुन, श्री कृष्ण के साथ तुम्हें भी मेरा दर्शन हुआ है, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे रथ को चार अश्व खींच कर लाए हैं, ये सभी चार दिशाओं के प्रतीक हैं। तुम्हारा रथ तुम्हारे मन का प्रतीक है, मन पर जब अंकुश नहीं रहता तो इन्हीं चारों दिशाओं में भटक जाता है, और जब मन को श्री कृष्ण जैसा रथी मिल जाए अर्थात अंकुश मिल जाए तो वो अपने आप वश में हो जाता है। तुमने सात पर्वत पार किए थे, ये मनुष्य जन्मों के प्रतीक हैं। सात जन्मों में भी मानव बिना श्री कृष्ण की कृपा के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता, परंतु जो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वो तो क्षण मात्र में ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम अंधकार से भरी काल रात्रि से होकर आए हो, यह अंधकार तुम्हारे ही अहंकार का प्रतीक था। भव सागर पार करते करते तुम ये सोच रहे थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी तुम यम का द्वार न खुलवा सके। यह अंधकार मेरी ही महामाया का प्रतीक है, यही सब कुछ जन्म लेता है और इसी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया, ये सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हें ज्ञान मिल गया है पार्थ। हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अहंकार का लोप हुआ क्षण भर में ही तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। मुझे क्षमा कीजिए दीननाथ, मेरे अपराध का दंड उस ब्राह्मण को मत दीजिए, उसके पुत्र हमें लौटा दीजिए दीननाथ। अरे, तुम दोनों को यहां लाने के लिए ही मैंने उस ब्राह्मण के चारों पुत्र अपने लोक में बुलाए हैं। चिंता ना करो, तुम दोनों मेरी ही कलाओं के साथ पृथ्वी पर गए हो, तुमसे ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। जाओ और लोक मंगल करते हुए धर्म का आचरण करो। तुम दोनों विश्वर नर और नारायण हो। पृथ्वी लोक के भार रूप अधर्मियों का संहार कर शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों मेरे पास वापस लौट आओगे। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जब तक मृत्यु लोक में रहो तब तक धर्म की स्थापना और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करते रहना आवश्यक है। जिससे संसारी तुम्हारे सत्कर्मों का अनुसरण करते रहे। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार। लो, हम तुम्हें ब्राह्मण के सारे पुत्र वापस लौटा देते हैं।
मेरी बच्ची आ गई। हमारी बच्ची आ गई। हमारी बच्ची आ गई। मधुसूदन आप धन्य हैं, सच में धन्य हैं जनार्दन। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, परंतु इतना अवश्य जानता हूं तुम जो भी हो इस लोक के नहीं हो, क्योंकि जो कार्य तुमने कर दिखाया है वो इस धरती के मानव के लिए असंभव है, असंभव। मैंने पीड़ित होकर आवेश में आकर तुम पर जो भी आरोप लगाए, जो भी कटु शब्द कहे, वो शब्द मिथ्यारोप था। उसके लिए कुछ गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो द्वारकाधीश, क्षमा कर दो द्वारकाधीश, क्षमा कर दो द्वारकाधीश, क्षमा कर दो द्वारकाधीश। चलो दारू,